थैंक यू। मतलब कबाब है तो ऐसे सारे मिल गए होंगे काम ना। प्याज बटर है, गार्लिक फ्लेवर बटर है, ये भी इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। ये कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, ये गरम मसाला, ब्लैक सॉल्ट काला नमक, और यहाँ पे पिंक सॉल्ट है। सॉल्ट को हम थोड़ा सा संभालते हुए डालेंगे। और यहाँ पे वन एग है, और एसाफोटिडा, हींग और जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे हमने लिया है कीमा, जो कि हमारे पास है 2 LB का, ये 1 पैक होता है, तो ये 4 LB है। मीन्स कि ये 1 किलो या 2 किलो के करीब है। और इसमें हमने यहाँ पे प्याज को इस तरह से पंच अप करके ऐड कर लिया है। प्याज जो है ये बड़ी प्याज थी, ये एक छोटी प्याज है, इसका 4 गुना प्याज थी। मीन्स कि ऐसी 4 प्याज ये इसमें हमने चॉप करी है, ये डाली है। और यहाँ पे अभी ये और भी है जो कि हमने चॉपर में कर ली है। अभी हम इसको ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट जो है वो हम इस मिक्सिंग बाउल में डाल के कीमे के साथ अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं, फिर मिलते हैं। हींग को हम 1 से 2 पिंच डालेंगे यहाँ पे, ये हमने ऐड कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। इसको चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो और ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है। यहाँ पे बेसन है 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर यानी कि आटा है। यहाँ पे बटर को मैं रूम टेम्परेचर पर कर लिया, मेल्ट कर लिया। सारे इंग्रेडिएंट हमने बोल में ले लिए। अब हम इसमें ये जो हमने बटर, गार्लिक बटर है, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। और टोमेटो को हमने चॉप करके रखा है, बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट मिक्सिंग में। ये जो गार्लिक बटर हमने डाला है या फिर बटर, इसकी जगह पे ऑप्शनल है, आप देसी ही है तो वो डाल दें। इसके डालने से अच्छा सा टेस्ट बनेगा। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। इस डो को, जैसे इस कीमे को ऐसे घूमना है यहाँ पे, जैसे कि रोटी का डो रेडी करते हैं उस तरह से। और इसके हमने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया, इसके जगह पे कोई भी कीमा, चाहे मटन हो या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। इसको इतनी अच्छी तरह से भुनना है कि ये अच्छा सा तैयार हो जाए, जैसे बाइंड हो जाए कि हाथ में आप लगे कि कबाब बनाए तो ये बाइंड रहे। यहाँ पे हमने बेसन और जो आटा ऐड किया है, व्हीट फ्लावर, वो इतना कम यूज़ किया है ताकि जो कीमे का अपना एक टेस्ट है ना वो रहे। जब हम ज़्यादा बाइंडिंग यूज़ कर लेंगे तो फिर वो अपना जो मज़ा है कीमे का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम अच्छा से करके भूनते हैं। सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत कम है, तो इसलिए इसका मज़ा बहुत अच्छा सा बनता है। हमने इसे अच्छा सा है पूरा गूंधना जैसे होता है वो कर दिया। और इसको लीड लगा करके फ्रीज में रख देंगे एटलीस्ट 1/2 आवर या 1 आवर। हम जब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे थे तब भूल गए थे यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स डालना। तो बाद में जब हमने फ्राई करने के टाइम पे 2-3 कबाब डालने के बाद याद आया, तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब जो है कोरिएंडर सीड्स है इसको हल्का सा हाथ पे क्रश करके वो इसमें ऐड कर लिया। और इस तरह से स्पून की हेल्प से कबाब हमने डाल दिए। चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे ईजिली जो है वो इस तरह से स्पून से भी कबाब डाल दिए। हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं उन्हें हम मीडियम फ्लेम पे, इसे हमने उलट पुलट के अच्छे से इस तरह से सॉटे कर लिया। डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से मज़ेदार से जो हमारे कबाब है वो रेडी हो गए, चापली कबाब। जो कि घर के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट घर में अवेलेबल होते हैं उनके साथ ही हमने इसे बनाया है, जिसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार बना। क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो बहुत ही कम हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ किया है, तो जिससे कि इसके कबाब का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़े का बना था, चिकन के कीमे का। चाहे तो बीफ के कीमे में बनाएँ या फिर मटन के कीमे में बनाएँ, पर ये कबाब बड़ा मज़ेदार सा बना था, बहुत ही जूसी और
अभी भी हम देख रहे हैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये गर्मा गर्म कबाब एक बार आप बनाएं और खाएं, और उसके बाद हमें अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू। मतलब कबाब है तो ऐसे सारे मिल गए होंगे पैनकेक बन रहे हैं बच्चे साथ में, सिर्फ एप्पल लेना पसंद करते हैं पैनकेक के। हम घर में ही सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके पैनकेक बनाते हैं, कोई रेडीमेड पैनकेक मिक्स नहीं लेते। इतना बन गया है तो ये आज भी यूज़ हो जाएगा, और इसको हम फ्रीज में रख देंगे अभी बनाने के बाद, तो ये कल यूज़ हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग संडे मॉर्निंग मीन्स संडे फंडे और रिलैक्स डे। तो मॉर्निंग में हमने उठा सुबह उठने के साथ ही जो मिक्स बैटर बना के रखा था पैनकेक का, इससे पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद पैनकेक रेडी कर लिए, साथ में अपनी चाय भी बना ली थी, और साथ में हमारा जो वीडियो था अपलोड करने का काम एडिटिंग वो हमने की। और उसके बाद यहाँ पे लंच के बाद बच्चे इस तरह से यहाँ पे इनके लिए एक पूल आ गया था जिसे इसके पापा ने फिक्स किया, और बच्चों ने यहाँ अच्छा सा एंजॉय किया। इन्होंने यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। किंजा लुक एट मी। यहाँ पे सैलड काट के रख लिया है, और तंदूरी चिकन की लेफ्ट मसाले से यहाँ पे राइस भी तैयार हो रहा है। राइस को दम दे दिया है, और चलिए देखिए यहाँ पे चिकन ग्रिल हो रहा है, बच्चे खेल भी रहे हैं।